नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। और ये चल रही है दोस्तों ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़, जिसमें अब नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना प्रोडक्ट टाइप बना चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट टाइप में अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने ये प्रोडक्ट टाइप बनाया था, ठीक है, जो कि हम इसमें शूज़ का जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले करेंगे। तो दोस्तों इमेज में हम लोगों ने क्या किया था कि इमेज में हम लोग मल्टीपल फील्ड नहीं ली थी, मतलब अगर आपको इसमें सिंगल प्रोडक्ट की इमेज रखनी है तो सिंगल भी रख सकते हैं, मल्टीपल भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टोर पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट कि कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोडक्ट वाला या जो हमने शूज़ वाला बनाया उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्रिएट मैंस प्रोडक्ट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फील्ड्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करने का है, प्रोडक्ट एसक्यू एक यूनिक की होती है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बात कर सकते हैं, जिसमें लिखा भी हुआ है यूनिक आइडेंटिफायर, ये हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगी, कॉमन नहीं हो सकती है। तो हम लोग एक सिंपल सा कोड लेके चलते हैं, ठीक है, ड्रुपल कॉमर्स 001 इस तरीके का, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब हमको जो हमें जो हमारा प्रोडक्ट का जो हमारा नाम होगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये करेंगे, ठीक है, इसका प्राइस रखेंगे, ठीक है, और इसकी जो इमेज यूज़ करेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसको हम लोग साइज़ देंगे, किस साइज़ का है, ठीक है, किस ब्रांड का है, ठीक है, कलर क्या है, ठीक है, कलर वाइट है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड ऐड अनदर, अगर आपको करना है तो ये कर सकते हैं, अगर आपको केवल एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो सेव कर सकते हैं, हम लोग एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो DC002 ये आपका दोस्तों, ये आपका ऑटोमेटिक भी चल सकता है कि आपको एसक्यू हर बार नहीं ऐड करना पड़े, एक आप कॉमन टोकन के थ्रू आप एक पैटर्न बना दें अपने एसक्यू का और वही पैटर्न ऑटोमेटिक ऐड होता रहे जब आप प्रोडक्ट ऐड करें, तो ये भी करेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। अब हम लोग नया एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, दूसरा, ठीक है, इसका रख देते हैं, ठीक, और इसमें हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर हमारा ठीक है ग्रे हो गया, सेव कर देते हैं, ठीक है। जब आप सेव करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, जो कि आपने जितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं उनका स्टेटस क्या है, एक्टिव, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा, ठीक है। आपको अगर शो नहीं करना तो आप इनएक्टिव कर देंगे तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, अब हमें ये दिखेगा कैसे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो हमारी वेबसाइट में कहीं प्रोडक्ट तो आया नहीं, ठीक है। तो ये एक हमने जो तरीका है, ये हमारा एक प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका है, और जो डिस्प्ले करने का जो तरीका है प्रोडक्ट की, हमें डिस्प्ले करना पड़े उसके लिए हमें नोड का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें कंटेंट टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कन्फ्यूज़न होता है कि अभी हमने एक जगह प्रोडक्ट ऐड किया फिर हमें डिस्प्ले करना है तो हम एक और कंटेंट टाइप बनाएं, तो ये एक ड्रुपल का एक कन्फिगरेशन है, इसको हम लोग इसी पैटर्न में यूज़ ही करेंगे क्योंकि इसमें यही करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। बाकी और ऑप्शन है कि हमारे पास अगर हमने कुछ इनलाइन एंटिटी फॉर्म का यूज़ किया तो वहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे कि वहीं पर हम प्रोडक्ट ऐड करते से हमारा डिस्प्ले भी हो जाएगा, ठीक है, तो वो हम आगे करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट टाइप बनाया, उसमें प्रोडक्ट ऐड किया, एक नया कंटेंट टाइप बनाएंगे, उसमें हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने जो प्रोडक्ट टाइप बनाया था उसको हम लोग एक पेज में खोल लेते हैं, ये बनाया था मेंस एंड शूज़ वाला, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कंटेंट टाइप में जाना है, ऐड कंटेंट टाइप करना है, ठीक है, और सिंपल यहाँ से, ठीक है, डिस्प्ले रखना है, फॉर डिस्प्ले नोड, ठीक। क्योंकि ड्रुपल में क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ का डिस्प्ले करना है तो उसका यूआरएल तो होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास जो है उसका यूआरएल बना नहीं है, और नोड के थ्रू जब हम कंटेंट ऐड करेंगे तो हमको एक नोड ऐड होता है और एक यूआरएल भी मिलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्प्ले, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको प्रमोट नहीं करना है, पब्लिश करना है केवल, ऑथर की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ये हमें ज़रूरी नहीं है। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है, और ठीक है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं। अब क्या करना है हमें, जब आप इस पेज पे आएंगे, कंटेंट जब आप टाइप ऐड कर चुके होंगे, तो आप जब यहाँ आके देखेंगे तो आपको एक फील्ड मिलेगी इसके अंदर, जब आपने कॉमन इंस्टॉल किया तो एक नया फील्ड बन जाएगा, तो ये एक फील्ड टाइप बन जाएगा प्रोडक्ट रेफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट रेफरेंस। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर नाम दे देना है, ठीक है, जो आप नाम देना चाहते हैं, ठीक है, सूज रेफरेंस, इस तरीके से भी कुछ कर सकते हैं जो कि आपको आगे मतलब रिमेंबर रहेगा, मतलब अगर आप कहीं व्यू में यूज़ करेंगे तो, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो सेलेक्ट करना है, फ़िलहाल के लिए हम सेलेक्ट लिस्ट लेते हैं, आप ऑटो कम्प्लीट टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही प्रोडक्ट है तो हम सेलेक्ट ले सकते हैं। ये तो आप चेंज कर सकते हैं, जब भी आपको नीड पड़े तो आप यहाँ आइए और फील्ड में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग सेव कर देंगे। बस दोस्तों, हमारे इसमें हमको इतना ही काम करना है फ़िलहाल अभी के लिए। हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, और इसमें हमको क्या दिखाना है, कौन सा प्रोडक्ट। अभी अगर आप लिस्ट में जाएंगे, अगर आपने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया है प्रोडक्ट टाइप और आपने, तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट दिखाएगा इस लिस्ट में, अब जो आप बनाने वाले हैं प्रोडक्ट सूज रेफरेंस का, तो इसमें आपको दोनों वो दिखाएगा, ठीक है। तो हम इसमें फ़िलहाल ये चूज़ करेंगे तो हमें केवल इसी के प्रोडक्ट दिखाएगा, सेव, ठीक है। अभी हम आगे इसमें कुछ चीज़ें और करेंगे कि हम लोग इसमें कलेक्शन ऐड करेंगे, कैटेगरी ऐड करेंगे, अपने मतलब अपने प्रोडक्ट को कैटेलॉग को अलग अलग मतलब डिस्प्ले पर्पज़ के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, अपने ऐड कंटेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐड कंटेंट में जब जाएंगे तो यहाँ हमारा देखिए एक बन गया मैन सूज का। अब इसमें हम लोग ऐड कंटेंट करेंगे, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, मतलब आपको एक टाइटल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल आपको अगर बॉडी में कुछ ऐड करना है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों है वो है ये कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम सिंगल ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा अभी जब तक हम लोग प्रोडक्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहा था, अब वो डिस्प्ले होने लगा, ठीक है। ये हमारा ऐड टू कार्ट भी आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया था वो भी कर लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट था हमारा ये वाला, सेव। तो ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले हो गए, देखिए एक का नोड वन बना, एक का नोड टू बना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और ऐड टू कार्ट का देखेंगे हमारा, तो हमारा ऐड टू कार्ट भी वर्क करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ऐड टू कार्ट भी वर्क कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो ये था हमारा दोस्तों कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक जगह प्रोडक्ट ऐड किया, क्योंकि दोस्तों ये केवल और केवल डिस्प्ले पर्पज़ से है कि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करें, है ना, वेबसाइट पर शो कैसे करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।